झरोखा चैनल में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और इस बार हम आपको कक्षा 12वीं के लिए केदारनाथ सिंह जी की कविता का जो बनारस शीर्षक कविता है उसका काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केदारनाथ जी की कविता बनारस का काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य। पहले देखते हैं काव्य सौंदर्य। तो पहला है, कविता एक शहर का मानवीकरण करती है। मनुष्य जिस तरह से व्यवहार करता है, आचरण करता है, उसके तौर तरीके होते हैं, कवि ने एक शहर को ही उस तरह से यहाँ प्रस्तुत किया है। इस तरह पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार की छवियां मौजूद हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें, इस शहर में वसंत अचानक आता है ना, वसंत का अचानक आना इस कविता में सांतरस है। तीसरा, वक्रोक्ति अलंकार और उपमा अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। उदाहरण के लिए, तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना, यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता। तो ये खुलना और भरना, इस तरह का इसमें विरोधाभाव है। और चौथा है, प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग इस कविता में हुआ है। तो ये था उसका काव्य सौंदर्य। भाषा इसकी सहज सरल है और सहज गम्य है, हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि केदारनाथ सिंह जी सरल भाषा में जो कुछ कहना चाहते हैं वो अर्थ बहुत ही गंभीर होता है, महत्वपूर्ण होता है। और अब आइए इस कविता का भाव सौंदर्य जानते हैं। भाव सौंदर्य यह है कि बनारस एक प्राचीन शहर है, उसका पुराणों और आख्यानों में भी जिक्र आता है, तथा वह धार्मिक रूप से भी अपना एक तीर्थ स्थल वाला स्थान रखता है। लेकिन कवि यहां पर इस प्राचीन नगर में दो धाराओं को देखते हैं, तुलसीदास की सगुण विचारधारा जो भक्ति की है उसे, और कबीर की निर्गुण विचारधारा जो भक्ति से संबंधित है। दो विचारधाराएं हैं, निराकार ब्रह्म की, साकार ब्रह्म की। परंतु बार बार कवि इस बात को बताना चाहते हैं कि बनारस ने केवल सगुण धारा को अपनाया, कबीर की निर्गुण विचारधारा को, पाखंड पर आक्रमण करने की भावनाओं को उन्होंने उसे भुला दिया है, उस ओर से विस्मृति बना रखी है। तो यही इस कविता का प्रमुख भाव है। तो यह था केदारनाथ सिंह जी की कविता बनारस का काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य। कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, हमें उसका उत्तर देते हुए बहुत खुशी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।